तो कैग की रिपोर्ट पिछली बादल सरकार पर सवाल उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन से लेकर कई विभागों में कैग की रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट पर जनता क्या सोचती है? क्या पिछली बादल सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लेकर गंभीर नहीं थी? क्या है जनता की राय? जीरकपुर में जी मीडिया संवाददाता पुनित परिंजा ने लोगों से बात की। सीए जी की रिपोर्ट में एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं और नए खुलासे के अंदर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो एक मिशन था केंद्र सरकार का, उसको लेके भी कई अनियमितताएं सामने आई हैं कि पिछली जो बादल सरकार थी उसे 9 जिलों में लागू ही नहीं किया और जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुए उसमें भी काफ़ी बड़े घोटाले जो हैं वो सामने आए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक काफ़ी बड़ा मिशन इसको रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन 9 जिलों में पंजाब के अंदर लागू ही नहीं किया गया। वो लागू इसलिए नहीं किया गया तो घपलेबाजी कैसे रुकेगी? घपलेबाजी तो इन्होंने करनी करनी है। पैसा आया फंड आया उसको खर्च भी नहीं किया गया। उसको खर्च करेंगे नहीं, वो खर्च किस लिए नहीं करेंगे? अपनी अगर खर्च कर देंगे लोगों के ऊपर या हॉस्पिटलों में हर चीज़ की सुविधा देंगे तो अपनी पॉकेट खाली रह जाएगी। पॉकेट खाली रखनी ना, लोगों का भला सोचना नहीं लोगों का। देखो ऐसा है तो रोज ही पेपरों में आते थे घोटाले से करते थे, अरे ये मतलब धक्काशाही करते हैं कि अपनी ट्रांसपोर्ट थी अपनी केबल थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये कारोबार ही कर रहे थे, ये सरकार नहीं चला रहे थे, इनको अपना निजी संबंध था है, निजी स्वार्थ के लिए सरकार चला रहे थे। देखो जी इदा पिछली जड़ी सरकार सी अपन वो तक पता ही हैगा कि खाऊ सरकार सी जी, उन्हें पैसा खर्च नहीं करना, उन्हें अपने घर भरने से वह भर ले है हूँ। सरकार आई है सानू उम्मीद हैगी है कि कांग्रेस सरकार जी सरकार हैगी है वो इस काम के उपर पूरा ध्यान देगी और वधिया तरीके जोड़ा है इस संभालेगी। ये तो सरेआम ही नकामी है, जब 9 जिलों में उन्होंने कराया ही नहीं चालू तो इस सबसे ज़्यादा नकामी वो क्या हो सकती है? बहुत बड़ा घोटाला था ये और इनके घोटालों पे अब प्रतिबंध लगाएगा कैप्टन साहब जो अपने कांग्रेस जी के सीएम हैं और इन पे नकेल कसें वो, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का जो कार्य है वो ही काम से लगेगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो गड़बड़ झाले सामने आए हैं उस पर जो नई सरकार है उसके ऊपर उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं और जल्द ही कोई सरकार जो है वो इन जो घोटाले पिछले सरकारों के दौरान हुए हैं उन पर कोई एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन जयवीर रावत के साथ पुनित प्रिंजा, जी मीडिया, जीरकपुर।